हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं बढ़िया जी सर आज हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे और नाम है उसका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टी डी एस का कम्प्लीट रिवीज़न हो जाएगा यस सर आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई लोगों को इसमें डाउट और दिक्कतें आती हैं लेकिन हम ये मानकर चलेंगे आपने एक बार बेसिक्स पढ़ रखे हैं सारे के सारे जी ये आपका रिवीजन है तो आप हमसे ये उम्मीद नहीं करिएगा कि वो जो नौ दस सेशंस में हम पढ़ाते हैं आई विल ट्राई टू प्लेस और आई ट्राई टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी माइंड प्रोविज़न वही है नॉट एट ऑल ये आपका रिविज़न है जो अच्छे अच्छे प्रोविज़न होते हैं जो क्रक्स होता है पर्टिकुलर किसी सेक्शन का आई रिमाइंड यू ईच एंड एवरी थिंग सबसे पहले बात करते हैं सेक्शंस वन नाइन्टी टू सैलरी के बारे में किसके बारे में सैलरी एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए जब आप पेमेंट करते हैं तो उस समय सैलरी में से टी डी एस घटता है किस रेट से डिडक्ट होता है रेट्स इन फोर्स एवरेज रेट्स के हिसाब से या आप कह सकते हैं रेट्स इन फोर्स के हिसाब से बात ख़त्म क्लियर है अगर आपने सेक्शन वन हंड्रेड फिफ्टीन बी को फॉलो कर रखा है जो एक नया सेक्शन आया था कि आपको कम रेट ऑफ टैक्स से देना है स्लैब रेट बढ़ा दिए गए तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो उस रेट से आप अपना टैक्स डिडक्ट करवा सकते हैं आपका एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर जो पेयर होगा वो आपका टैक्स डिडक्ट करके रख लेगा रेट्स इन फोर्स के हिसाब से और अपने पॉकेट में नहीं रखेगा बल्कि गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा इज इट क्लियर ये इंपॉर्टेंट था एट द टाइम ऑफ द पेमेंट यस सर 192 ए कहता है प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ या प्री मेच्योर विद्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड तो जो इंप्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है इंप्लॉयिज प्रोविडेंट फंड होता है जब आप उसको निकालते हैं अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से तो जो उस प्रोविडेंट फंड के अकाउंट से आपको पैसे देने वाला होता है यानी जो ट्रस्टी होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ वो जो एम्प्लॉई पैसा निकालता है उसको पैसा देते समय अगर वो फिफ्टी थाउजेंड से अधिक है तो टैक्स डिडक्ट होता है टेन परसेंट के हिसाब से तो टैक्स डिडक्ट होता है टेन परसेंट के हिसाब से क्लियर है तो जिस तरह सैलरी में था एट द टाइम ऑफ द मेकिंग पेमेंट इन द सेम वे हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड से पैसा जब हम विड्रॉ करते हैं तो पेमेंट मिलते समय या सामने वाला जब पेमेंट हमको करता है तो टैक्स डिडक्ट कर लेता है टैक्स डिडक्ट कर लेता है टेन परसेंट के हिसाब से इज इट क्लियर अच्छा वन नाइन्टी थ्री इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर दो अमाउंट याद रखेंगे आप लोग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज केस में दो अमाउंट याद रखेंगे टेन थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड और फाइव थाउजेंड तो टेन थाउजेंड की लिमिट है कि अगर अमाउंट टेन थाउजेंड तक है और एट परसेंट टैक्स सेविंग टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स uh, हैं या 7.75 परसेंट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं तो आपको दस हज़ार तक टी नहीं काटा जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल रही है मेरी बात ढंग से समझें अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी चलिए हम एक काम करते हैं हम अपने आप को हमेशा पेयर मान लेते हैं और आपको हमेशा पे ही मान लेते हैं आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल रही है पेमेंट देने वाला मैं हूँ मैं आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इस पर पेमेंट दे रहा हूँ तो अगर पेमेंट मैं दे रहा हूं एट परसेंट टैक्सीबल बॉन्ड वाला हिसाब किताब तो उसके इसमें दस हज़ार तक कोई टी डी एस नहीं कटेगा अगर सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट टैक्सीबल बॉन्ड्स हैं तो दस हज़ार तक कोई टी डी एस नहीं डिडक्ट होगा उसके ऊपर होगा तो टेन परसेंट का टैक्स डिडक्ट होगा टेन परसेंट का टैक्स डिडक्ट होगा लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं 5000 का मैंने कहा ना एक और लिमिट याद रखनी है 5000 5000 5000 अगर कोई कंपनी यानी मैं आपको कोई इंटरेस्ट देता हूँ और वो भी देता हूँ किस पर डिबेंचर पर मैं इंटरेस्ट देता हूँ और कितना देता हूँ पाँच हज़ार रुपये तक का देता हूँ कैसे देता हूँ अकाउंट पे ही चेक के हिसाब से देता हूँ किसको देता हूँ इंडिविजुअल और एच को देता हूँ तो उस केस में हमें टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर ये 5000 से अधिक का अमाउंट होगा तो टैक्स डिडक्ट होगा कितना 10 परसेंट के हिसाब से इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो जिसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपको मिल रही है देन द पेयर इज नीडेड यानी आई एम नीडेड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स एज एट द रेट ऑफ टेन ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट नो एनी एग्जेमशन लिमिट इज देयर थ्रेजो लिमिट इज देयर कब करना है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट विच एवर इज अर्लियर जो दोनों में से पहले हो यानी जब मैं आपको अमाउंट दूं या आपके अकाउंट में क्रेडिट करूं कोई भी किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में एडजस्ट होगा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा चाहे एक्चुअल चाहे अकाउंट का एडजस्टमेंट जो भी पहले होगा हमें टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी समझ में आया चलो एक काम करते हैं हम सीधे एक जंप कर देते हैं इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इंटरेस्ट मिले सिक्योरिटीज़ पर अरे आपने हमें लोन दे रखा है मैंने आपको इंटरेस्ट दिया आपने पैसा बैंक में जमा करके रखा है आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिला मींस इसके अलावा भी कई सारे सोर्सेज होते हैं इंटरेस्ट को पाने के केवल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज़ नॉट अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम टू अर्न द अमाउंट लाइक इंटरेस्ट बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज तो वो जो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है उसके लिए बात करता है ये इसमें भी आपको दो लिमिट याद रखनी है फोटी थाउजेंड या फाइव था फिफ्टी थाउजेंड वहाँ दस हज़ार और पाँच हज़ार याद रखनी थी यहाँ पर चालीस हज़ार और पचास हज़ार याद रखनी है और बाकी के केस में पाँच हज़ार याद रखनी है तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करता है चालीस हज़ार का केस अगर सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे तो यही अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा तो चालीस हज़ार किस केस में अगर कोई बैंकिंग कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग कंपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होती है बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होती है आपको कोई पोस्ट ऑफिस है जो आपके डिपॉजिट अमाउंट को पर कोई इंटरेस्ट देता है तो मैंने कहा बैंकिंग कंपनी है पोस्ट ऑफिस है यहाँ कोई एन है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो चालीस हजार रुपए तक अगर वो आपको इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी देती है किसी भी रेसिडेंट को यानी आपको तो टेन परसेंट का टी होगा इसके पहले ऊपर वाले में भी, भी तो था सर सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में भी हमारा टेन परसेंट का टी था और यहाँ पर भी इन टेन परसेंट का टी है और सेम वही है या तो आपको क्रेडिट किया जाए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए पेमेंट किया जाए जो पहले में हो जाए बात ख़त्म उस समय टैक्स डिडक्ट होगा सर एक बार और बताइए मैंने आपको सेक्शन वन बताया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की मैंने बात बताई अगर आपको कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल रही है टेन के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होता है लेकिन कहा गया दस हज़ार रुपये तक का अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है एट परसेंट टैक्सेबल बॉन्ड या सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट टैक्सेबल बॉन्ड पर तो दस हज़ार तक माफी है उसके उप, वहां तक कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा उसके ऊपर ही होगा और बोला गया कि अगर इसके अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है आपकी डिवेंचर के केस में कोई रेजिडेंट जो इंडिविजुअल एच ओ एफ है पेई यानी आप तो पाँच हज़ार रुपये तक का माफ़ किया जाता है बशर्ते कि अकाउंट पेई चेक के थ्रू पेमेंट किया गया हो चलिए वन ए की बात करते हैं वापस कि अगर कोई इंटरेस्ट अदर देन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है तो उस केस में अगर पेयर कोई बैंकिंग कंपनी है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या कोई पोस्ट ऑफिस है अगर आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पेमेंट करता है तो चालीस हजार रुपए तक उसकी त्रेसौल लिमिट बताई गई है इट इज ऑफ नो यूज टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दैट अमाउंट बट इन केस ऑफ द सीनियर सिटीज़न द अमाउंट हैज बिन इक्रीज फ्रॉम द फोर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड यस सर टेन परसेंट का है और वही सारे प्रोविज़न है कहीं कोई फ़र्क नहीं है सर आप ये बीच वाले छोड़ दे रहे हैं अभी जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना याद करते जाएँ कोई एक्स्ट्रा हेड लेने की जरूरत नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ लास्ट में ये सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट छोड़ रहे हैं वो सारे के सारे दो मिनट के अंदर कवर हो जाएंगे अच्छा 193 हो गया 194 ए हो गया बीच में एक 194 छूट गया था इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड डिविडेंड इनकम तो यहाँ पर सीधे कहा पाँच हज़ार रुपये तक अगर कोई डिविडेंड है जिसमें प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड शामिल है अगर पाँच हज़ार रुपये से ऊपर होगा डिविडेंड तो ही आपको टी डी एस डिडक्ट करना है यानी मैं आपको कोई डिविडेंड का पेमेंट कर रहा हूँ आप मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो मैं आपको डिविडेंड का पेमेंट कर रहा हूँ पाँच हज़ार रुपये तक है कोई टी नहीं लगेगा लेकिन पाँच से ऊपर है तो मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा कितना सर बड़ा आसान है सब में टेन परसेंट टेन परसेंट कब जब हम आपको पेमेंट करेंगे उसके पहले या जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके पहले इज इट क्लियर चलिए सर एक बात बताइए ये पाँच हज़ार रुपये कब माफ है जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में मैंने बताया था ना यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मैंने बताया ना कि अकाउंट पे चेक से दिया गया हो इंडिविजुअल ए को दिया गया हो इन द सेम वे इन द सेम वे केस ऑफ डिविडेंड पेड और क्रेडिटेड टू एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर बाई एनी मोड अदर देन कैश तो कैश में नहीं होना चाहिए अदर देन कैश होना चाहिए तो ही पाँच हज़ार के लिमिट लगेगी अदरवाइज नहीं लगेगी क्लियर है और बाकी केस में कोई थ्रेस होल्ड लिमिट नहीं है यानी कोई एच यू एफ एफ फॉर्म है ए ओ पी है बी ओ आई है कंपनी है, है उसको अगर डिविडेंट दिया जा रहा है तो हंड्रेड परसेंट अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पर हमें टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा किस रेट से टेन परसेंट के हिसाब से इज इट क्लियर यस सर चलिए सर वन ए हो गया वन बी की बात करते हैं बी और बी 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 और बी 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 जो है वो हमारा विनिंग फ्रॉम लॉटरी है क्रॉसवर्ड पजल्स है कार्ड गेम है यानी जुआ है वन नाइन्टी फोर बी बी रेस हॉर्स है रेस हॉर्स है अगर आप इन दोनों में से कोई अर्न करते हैं इनकम आप अर्न करते हैं तो मैं अगर आपको पेमेंट कर रहा हूं मैं उस खेल को खिला रहा था आपको तो मैं थर्टी परसेंट का टैक्स डिडक्ट करूंगा थर्टी परसेंट का टैक्स डिडक्ट करूंगा जी सर क्लियर है लेकिन अगर ये अमाउंट दस हजार रुपए तक का है तो कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के केस में पाँच हज़ार रुपए था पाँच हज़ार रुपए था दस हजार रुपए था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के केस में डिविडेंड के केस में ये लिमिट फाइव थाउजेंड थी और इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी के केस में अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी केस में फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फाइव थाउजेंड का सिस्टम था अच्छा वन नाइन्टी फोर बी और वन नाइन्टी फोर बी बी के केस में यह हमारा दस हज़ार किलोमिट होती है दस हज़ार के ऊपर का अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्राम हॉर्स रेस होगा तो थर्टी परसेंट के हिसाब से अगर मैं पेयर हूँ तो मैं आपको पेमेंट करने से पहले उसका टैक्स डिडक्ट कर लूंगा पेमेंट करने से पहले एट द टाइम ऑफ द पेमेंट दैट्स इट वन नाइन्टी फोर बी इज ओवर वन नाइन्टी फोर बी बी इज ओवर आते हैं वन नाइनटी फोर सी की बात करते हैं सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर सी फॉर कैट नहीं होता ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट नॉट एट ऑल सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर अब इस कॉन्ट्रैक्टर में सब कॉन्ट्रैक्टर को भी पेमेंट शामिल होता है यानी अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा हूँ कि कोई एक सम कोई सिंगल सम और वो सिंगल सम है तीस हज़ार की मैं आप कॉन्ट्रैक्टर हैं मेरे मैंने आपको पेमेंट दिया पेमेंट दिया पेमेंट दिया कई बार दस हज़ार बारह हज़ार पंद्रह हज़ार अट्ठारह हज़ार चालीस हज़ार करते करते चालीस हज़ार में करें तीस हज़ार से कम करें तो करते करते एक लाख रुपए से ऊपर आ जाए पूरे साल में यानी किसी कॉन्ट्रैक्टर को वन टाइम पेमेंट करना थर्टी थाउजेंड या किसी कॉन्ट्रैक्टर को बार बार पेमेंट करना वो भी पूरा मिलाकर एक लाख को क्रॉस हो जाए तो उस केस में टैक्स डिडक्ट होता है उस केस में टैक्स डिडक्ट होता है मैं पेयर हूँ आप पे ही हैं मैं पेयर हूँ आप पे ही हैं आप इंडिविजुअल या एच हैं तो मैं आपका टैक्स डिडक्ट करूंगा वन परसेंट के हिसाब से अगर आप इंडिविजुअल और एच नहीं हैं तो मैं आपका टैक्स डिडक्ट करूँगा टू परसेंट के हिसाब से अगर आप एच इंडिविजुअल या एच हैं तो मैं आपका टैक्स डिडक्ट करूंगा वन परसेंट के हिसाब से अगर आप इंडिविजुअल एच के अलावा कोई हैं तो मैं आपका टैक्स डिडक्ट करूंगा टू परसेंट के हिसाब से दैट्स इट अब सर ये क्या है अभी छोड़ देते हैं ये अपने आप कवर हो जाएगा थोड़ी देर में सर कब टैक्स डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट और क्रेडिटिंग द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पे विच एवर इज अर्लियर जो सबसे दोनों में से पहले हो दैट्स इट बहुत ही सिंपल था ये तो वन सी क्लियर है सर समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा है चलिए ना समझने की तो बात ही नहीं है एक स्टूडेंट था वो नदी के बगल से गुजर रहा था स्कूल के बगल में एक नदी बह रही थी उसके बगल से गुजर रहा था उसने देखा कि उसका जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो डूब रहा है डूब रहा है ये चिल्लाते हुए गया कल छुट्टी कल छुट्टी है कल छुट्टी है तो ये हाल है लोगों का आप लोगों की कभी कोई छुट्टी नहीं रहती अब तो कोई बच्चा इस लायक नहीं रहा जब से ये प्रॉब्लम चल रही है बंदी बंदी की कोरोना की तब से कोई इस लायक नहीं रहा जब कह सके कल छुट्टी अरे डेली छुट्टी है ठीक है ना अब ये डेली छुट्टी है तो नाउ इट इज़ अप टू यू टू यूटिलाइज दैट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ बेस्ट वे जितना आप अच्छे तरीके से इस समय को यूज़ करेंगे उतना बढ़िया है जितना कोई चीज़ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप शार्प होंगे तो ये चीज़ें याद रखेंगे चलें आगे बाकी सब जो पॉइंट छूट रहे हैं डू नॉट वरी अबाउट दैट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कवर्ड एज एंड वन वी विल क्लोज दिस चैप्टर वन नाइन्टी फोर डी 194d डी है कमीशन की बात करता है 194d डी कमीशन कमीशन तीन जगह कवर होंगे एक तो यहाँ कमीशन कवर हो रहा है इंश्योरेंस 194d, डी एक जी में कवर होगा इज्जत के साथ कवर होगा और 194h एच में कवर होगा यानी कि तीन जगह हमारे कमीशन कवर होंगे 194d जो होता है वो इंश्योरेंस कमीशन की बात करता है वन जी हमारा जो होता है वो लॉटरी सॉरी uh, हाँ लॉटरी के इंश्योरेंस कमीशन की बात करता है और वन नाइन्टी फोर एच जो होता है अदर देन इंश्योरेंस कमीशन एंड लॉटरी के कमीशन की बात करता है अदर देन दीज टू तो वन नाइन्टी फोर जी और वन नाइन्टी फोर डी इन दोनों को हटा करके जो कमीशन और ब्रोकरेज बचता है वो वन नाइन्टी फोर एच में आता है इज इट क्लियर और तीनों की लिमिट आप देखेंगे ना तीनों की लिमिट आप देखेंगे ना पंद्रह हज़ार रुपये तक कोई इंश्योरेंस कमीशन पर भी टीडीएस नहीं कटता कोई लॉटरी के टिकट पर भी इंश्योरेंस कमीशन जो इंश्योरेंस कमीशन होता है उस पर जीएसटी टीडीएस नहीं कटता और हमारा अगर कमीशन और ब्रोकरेज अदर देन लॉटरी और अदर देन इंश्योरेंस कमीशन है उसके अलावा कोई कमीशन है तो उस पर भी पंद्रह हज़ार तक माफ़ है यानी कि तीनों केस में कमीशन की अगर मैं बात करूं तो पंद्रह हज़ार का टैक्स डिडक्शन पंद्रह हज़ार रुपये तक का थ्रेसोल्ड लिमिट दिया गया है और आप देखें तो टीडीएस का रेट इन दोनों के केस में फाइव परसेंट है और यहाँ पर भी हमारा टी स पांच परसेंट है किसको दिया जा रहा है किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट करेंगे और कोई भी रेसिडेंट होगा आप तीनों में एक ही चीज मानकर चलेंगे कोई भी रेसिडेंट होगा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं अब बचा क्या कुछ तो नहीं बचाइन फोर डी भी खत्म हो गया जी भी खत्म हो गया नाइन्टी फोर एच भी खत्म हो गया वन नाइनटी फोर डी आपका इंश्योरेंस कमीशन से रिलेटेड था वन नाइन फोर जी आपका लॉटरी टिकट को सेल करने से रिलेटेड इंश्योरेंस था कमीशन uh, था सॉरी कमीशन था वन नाइन्टी फोर एच इन दोनों के अलावा जो इंश्योरेंस और कमीशन बचता है कमीशन uh, और ब्रोकरेज बचता है वो इसमें कवर होता है इज इट क्लियर तो ये तीन चीज़ें आप लोग याद रखेंगे अच्छा uh, जब आप पेमेंट करेंगे या आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जो दोनों में से पहले हो जब आप पेमेंट करेंगे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जो दोनों में से पहले हो जब आपको पेमेंट करेंगे यंग ये जब आपको पेमेंट करेंगे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जो दोनों में से पहले हो दैट्स सेट तीनों तो एक ही सेक्शन था एक तरह से देखो तो 194D, 194G, 194H तीनों खत्म जी आगे चल सकते हैं 194DA बात करता है DA. 194D हमने देखा इंश्योरेंस कमीशन था वन आइंटी उसी इंश्योरेंस का हम क्या करवा रहे हैं अमाउंट ले रहे हैं यानी कि अगर कोई अमाउंट मैच्योर हो रहा है वो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल रहा है आपको अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है अगर एक लाख रुपए तक भी मिलता है दस लाख बीस लाख पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ पाँच करोड़ दस करोड़ इस तरह के अमाउंट्स मिलते हैं नॉट लिटिल अमाउंट एटलीस्ट एक लाख तो है ही दस हज़ार बीस हज़ार का, का कौन इंश्योरेंस करवाता है तो एक लाख का कम से कम तो एक लाख तक का कहा गया माफ़ है एक लाख तक कोई इसकी थ्रेसोल्ट लिमिट है कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा यानी इंश्योरेंस कंपनी मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ आप बेनिफिशियरी हैं आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल रहा है एक लाख तक तो माफ़ है कोई दिक्कत नहीं उसके ऊपर का जो मिलेगा वो फाइव के हिसाब से ठीक टैक्स डिडक्ट करके मैं रख लूँगा एज अ कंपनी मैं वो अमाउंट रख लूँगा तो क्या कब डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट जब आपको वो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है छोटा मोटा में अमाउंट नहीं होता तो ड्यू हो गया तो नहीं कटेगा जब पेमेंट होगा तब टैक्स डिडक्ट होगा विद होल्ड होगा इज इट क्लियर 194 की बात करते हैं जो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स मैन होते हैं ना नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन होते हैं उनके अमाउंट से हम लोग टैक्स डिडक्ट करते हैं कोई भी अमाउंट जो देते हैं ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट पॉइंट एट क्या है ट्वेंटी परसेंट प्लस फोर परसेंट आपका एच ई सी दोनों मिलाकर ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट हो जाता है इज इट क्लियर आपको ये टैक्स डिडक्ट करना है जब आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो एच ई सी को ऐड करके जब आप उनको अमाउंट पे करते हैं या उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं जो दोनों में से पहले हो कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई मैंने आपको बताया वन नाइन्टी टू सैलरी वन नाइन्टी टू एम्प्लॉज़ प्रोविडेंट फंड का पचास हज़ार रुपये तक का माफ़ बताया वन नाइन्टी थ्री इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ उसमें मैंने आपको अमाउंट बताए ना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ एक तो बताया दस हज़ार रुपये का अमाउंट एक आज बताया पाँच हज़ार रुपये का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के केस में पाँच हज़ार रुपये का अमाउंट बताया एट परसेंट टैक्सीबल बॉन्ड और सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट टैक्सीबल बॉन्ड के केस में मैंने दस हज़ार रुपये का लिमिट बताया इसके अलावा किसी में कोई लिमिट नहीं दी गई है और वहां पर टी डी एस का रेट था टेन परसेंट वन नाइनटी फोर में वन नाइन्टी वन नाइन्टी थ्री में सॉरी 194 में आपको बताया गया था डिविडेंड के केस में वहाँ पर पाँच हज़ार रुपये तक अगर किसी को इंडिविजुअल शेयर होल्डर को अगर आप पेमेंट करते हैं तो पाँच हज़ार रुपये तक का माफ़ है उसके ऊपर किसी भी केस में टैक्स डिडक्ट होगा 10 परसेंट के हिसाब से वन नाइन्टी ए मैंने बताया इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ वन ए में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ उसमें मैंने बताया चालीस हज़ार और ये सीनियर सिटीजन का केस होगा तो ये फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा और बाकी केसेस में ये पाँच हज़ार ही लगेगा इज इट क्लियर Uh, जो चालीस हज़ार और पचास हज़ार का लिमिट है वो लगता है बैंकिंग कंपनी अगर कोई पेयर है या डिपॉजिट uh, यानी कि पोस्ट ऑफिस है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो इज इट क्लियर तो यहाँ पर भी टीडीएस का रेट टेन परसेंट ही बताया गया था वन नाइन्टी फोर बी और बी बी दोनों विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस के, के केस में थर्टी परसेंट का टैक्स डिडक्ट करने के लिए बोला गया था uh, और इसमें मिनिमम लिमिट दस हज़ार की बताई गई थी वन नाइन्टी फोर सी कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट टू पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं यानी कि आपको रेसी रेसिपियंट है मैं पेयर हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट हूँ मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया अगर आप इंडिविजुअल या एच ओ एफ हैं तो वन परसेंट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होगा अगर अदर देन इंडिविजुअल या एच यू एफ है तो दो परसेंट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होगा और सिंगल सम अगर तीस हज़ार रुपये तक का है और उसके अलावा कोई अमाउंट नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो कोई टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर मल्टीपल अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं और दस तीस हज़ार के सब नीचे हैं लेकिन साल भर में ये एक लाख को एक्सीड कर जाता है तो टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी अच्छा वन नाइन्टी फोर डी मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम का बताया पंद्रह हज़ार तक माफ बताया और गहर जी बात है फाइव परसेंट के हिसाब से इसी तरह वन नाइन्टी फोर जी मैंने आपको लॉटरी के सेल्स पर इंश्योरेंस बता, बताया कमीशन बताया वहाँ पर भी पंद्रह हज़ार रुपये तक का है और पाँच परसेंट का टीडीएस है और वन नाइन्टी फोर जी बताया था लॉट वन नाइन्टी फोर जी के बाद वन नाइन्टी एंड 194H इंश्योरेंस कमीशन एंड ब्रोकरेज तो उस केस में भी सेम यही सिस्टम था जिट क्लियर वन नाइनटी फोर डी ए की बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब मेच्योर होती है एक लाख रुपये तक का माफ है एक लाख रुपये तक के ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो पाँच परसेंट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करके रख लिया जाएगा वन नाइनटी फोर ई बता है अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कोई पेमेंट जाता है तो ट्वेंटी पॉइंट एट उसमें एच ई सी जोड़ करके टैक्स डिडक्ट करके रोक लिया जाता है चलिए सर अब बात करते हैं वन नाइन्टी फोर ई ई की अब आगे बढ़ने से पहले एक जोक आपके साथ और क्रैक कर लेते हैं एक सब कुछ भुला दिया सब कुछ भुला दिया कुछ नहीं भूलना है सब याद रखना है धीरे धीरे चलते हैं पाँच मिनट नीचे आए ऊपर क्या दिक्कत है इतनी कौन सी रेस छूट रही है भाया? आ, हुआ ये कि एक लड़की वाले लड़के को देखने गए लड़की वाले लड़के को देखने गए लड़के को उन्होंने देखा उसके बाद लड़की वालों ने बोला हमें लड़का पसंद नहीं है हमें ये लड़का पसंद नहीं है तो लड़के वालों ने कहा पसंद तो हमें भी नहीं है घर से निकाल दें क्या पसंद तो हमें भी नहीं घर से निकाल दें क्या ये लड़के वालों का जवाब था तो कहने का मतलब ये है वन 194 ई की बात करते हैं पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर एन एस एस ढाई हजार रुपए तक का एग्जिमशन लिमिट है 10 है 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 के केस में ही NSS का होता फिलहाल ये इतने important section नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अब आपके सामने हाजिर है आई आई ए आई बी आई सी इन तीन को बताने के चक्कर में मैंने आपके साथ जोक क्रैक किया वन नाइनटी फोर आई क्या आई रेंट आई तो रेंट आई कहाँ से आई मैंने अगर किसी को अपना कोई सामान किराए पर दिया होगा बिल्डिंग या फर्नीचर तो वहाँ से रेंट आई या मैंने उनको किराए पर दिया होगा प्लांट एंड मशीनरी तो वहाँ से रेंट आई अगर मैंने उनको प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दिया है यानी मैं मान लो चलो मैं आपको किराया दे रहा हूँ मैंने आपसे प्लांट एंड मशीनरी किराए पर ली तो मैं आपको पेमेंट करूँगा किराए का तो प्लांट एंड मशीनरी का किराए का पेमेंट करेंगे तो टू परसेंट के हिसाब से टी लगेगा और अगर बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिक्सर होगा तो टेन परसेंट के हिसाब से टी लगता है सोचो कितना अंतर है प्लांट एंड मशीनरी जो कि बिजनेस के पर्पज़ के लिए होता है तो गवर्नमेंट ये मान करके चलती है कि वहाँ तो पैसा आ जाएगा सामने वाले के पार्टी के हे क्योंकि पैन नंबर होगा जी नंबर होगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर किसी बिल्डिंग और फर्नीचर का पेमेंट किसी को कर रहा हूँ मैं आपने हमको किराए पर दिया बिल्डिंग फर बिल्डिंग और फर्नीचर में अगर आपको उसका पेमेंट कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप अपना रिटर्न दाखिल करते हो ज़रूरी नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है वहीं से एक बार में टैक्स ले लो ना इसलिए वहाँ पर ज़्यादा टैक्स लगा लिया टेन परसेंट के हिसाब से विध होल्ड अमाउंट है लेकिन अगर ईयरली रेंट दो लाख चालीस हज़ार रुपये तक का है तो ये इसकी थ्रेसौ लिमिट है कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा कब एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट ऑफ दैट अमाउंट इन द अकाउंट और द पेमेंट विच एवर एज अर्लियर सेम है सेम सेम है कहीं कोई फ़र्क नहीं है आइए की बात करते हैं आइए ए आई बी आई सी आइए के साथ साथ आइए के साथ साथ एल ए की बात करते हैं आइए लाइए या लाओ लाओ बोलो ज़्यादा सही है आइए इज्जत के साथ लाओ दोनों में फर्क क्या है आइए का मतलब होता है जब कोई बात जब कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है सेल करता है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड अगर कोई बंदा अपनी लैंड और बिल्डिंग जो इमोएबल प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करता है और उसको कंसिड्रेशन मिलता है पचास लाख रुपए से अधिक यानी आपने अपना कोई मकान या ज़मीन बेची और आपको जो पैसे मिले वो फिफ्टी लाख से अधिक है ख़रीदने वाला कौन मैं अब मैं आपको दे रहा हूँ पैसा तो पचास लाख से अधिक अगर है तो मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा वन पर्सन के हिसाब से तो मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा वन परसेंट के हिसाब से तो सर ये एल एल ए क्या है ये एल 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 ए वाले प्रोविजन्स पर एप्लीकेबल नहीं होता ला मतलब लाओ लाओ मतलब ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती मतलब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने मतलब एल ए गोवमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती छीना है कंपनसेशन दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को छीनने के बदले जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड शामिल नहीं है लाओ ज़बरदस्ती तो उस केस में दस परसेंट गवर्नमेंट रोकती है अमाउंट सोचो सोचो दस परसेंट गवर्नमेंट अमाउंट रोकती है और ढाई लाख तक केवल माफ़ है वहाँ क्या था आई में पचास लाख तक माफ़ था पचास लाख तक माफ मतलब इन द सेंस देर वाज नो इन टी प्रोविजन अट्रैक्टेड बट यस इन द केस ऑफ द कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट इन दैट केस टू लैक फिफ्टी थाउजेंड इज द थ्रेस होल्ड एलिमेंट एंड द रेट ऑफ टी इज टेन परसेंट इन द अर्यर केस इट वॉज जस्ट अ टू वन जस्ट अ वन यस इज इट क्लियर ये आई और ला आइए और ला आई बी की बात करते हैं अभी आपने ऊपर देखा छोड़ देते हैं आई बी अभी तैयार इसलिए ये होगा आई बी अलग से क्योंकि मैंने अभी आपको ये पॉइंट्स नहीं डिस्कस करवाए इसलिए आई बी अभी दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं आई सी भी दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं जे की बात करते हैं क्लियर है पहले हम जे की बात करते हैं जी कहता है फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फी डायरेक्टर्स रिमेंड्रेशन फ़ी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रॉयलिटी एंड नॉन कम्पीट फी एंड डायरेक्टर्स रिमेंड्रेशन हर एक पॉइंट की बात मैं अगर करूं तो मैं बोलूंगा फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज तीस हज़ार दूसरा मैं बोलूंगा फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज तीस हज़ार की लिमिट है रॉयल्टी तीस हज़ार की लिमिट है मिनिमम त्रेसोड़ लिमिट है नॉन कम्पीट फी तीस हज़ार की मिनिमम लिमिट है लेकिन डायरेक्टर्स मनिकेशन के, के केस में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है यानी अगर मैं आपको कोई पेमेंट कर रहा हूँ फी फॉर प्रोफेशनल फी फॉर टेक्निकल रॉयल्टी नॉन कंपीट फीस देन यस thirty thousand minimum exemption and threshold limit is there and yes we are needed to deduct the rate of tax is 2%, two percent two percent g क्लियर है टू परसेंट आप याद करके चलेंगे अभी फिलहाल टू परसेंट के हिसाब से आपको टैक्स डिडक्ट करना है तीस हजार रुपये का सिस्टम है कितना तीस हजार डायरेक्टर्स रिमेंडेशन में एक रुपये भी डायरेक्टर्स को रिमेंडेशन के तौर पर देंगे तो वहां पर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा जी सर वहां पर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा कितना टेन परसेंट के हिसाब से तो फिलहाल टू परसेंट कहाँ कहाँ पर है हम उसकी बात कर दें <coughs> कहता है पेई इंगेज ओनली इन द बिजनेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर यानी आप किस बिज़नेस में इंगेज थे कॉल सेंटर में अगर फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी है तो उस केस में या डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है तो उस केस में टू परसेंट इसके अलावा फ़ी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज हुआ या नॉन कम्पीट फीस हो गया ये तो इस केस में तीनों के केस में दस परसेंट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होगा दैट्स इट कब होगा एट द टाइम ऑफ द पेमेंट और एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पे विच एवर इज अर्लियर कहीं कोई दिक्कत नहीं अब मुझे आपको यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करना है जो एक एक चीज़ छोड़ छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे थे अब हम उसकी बात करते हैं हम लोगों ने देखा जे एच ए सी आई अगर याद हो तो झांसी झांसी कैसे और इनमें एक प्रोविज़न कॉमन है सब में एक प्रोविज़न कॉमन है कौन सा प्रोविज़न कॉमन है ये सब में एक एक और है वन नाइन्टी फोर के आई बी आई बी आई बी ये झासिब चलो बी भी जोड़ देंगे आप लास्ट में बाद में आया है और ये आई बी एक साथ है वन नाइनटी फोर जे वन नाइन्टी फोर एच वन नाइंटी फोर ए वन आइंटी फोर सी वन आइनटी फोर आई वन नाइनटी फोर आई बी तो झा सिब झांसी याद रखेंगे क्लियरली तो झांसी झांसी में क्या है कि अगर ये अगर कोई पेयर यानी मैं देने वाला बंदा इंडिविजुअल या एच है और उसका टर्नओवर ओवर एक करोड़ बिजनेस के केस में प्रोफेशन के केस में पचास लाख तक है तो उन लोगों को टैक्स रिक्वायरमेंट टैक्स को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है मान लो मैं एक इंडिविजुअल इंडिविजुल मैं एक एच यू मैं इंडिविजुअल हूँ मैं एक एच यू मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ वन नाइनटी आई वन आई अब एक बात बताओ मैं आपको रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ वो बहुत छोटा बिजनेस हूँ भाई मैं बहुत छोटा बजनेस मैन हूँ मेरे ऊपर इतने कम्प्लाइंस सिस्टम मत डा डालो तो एक सिस्टम बना दिया गया झांसी वन नाइन्टी फोर जे एच ए सी आई ये याद करने के लिए मैंने बताया और अब आई वी भी है कि अगर कोई बंदा इंडिविजुअल या एच है और वो पेमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर टी की रिक्वायरमेंट लगेंगी लेकिन अगर बंदा छोटा है इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है कौन है एक करोड़ तक का बिज़नेस का टर्न है प्रोफेशन के केस में पचास लाख तक का टर्न है तो उनको इस केस में जे एच ए सी आई में टैक्स डिडक्ट करने से मना किया गया है वो नहीं करने चाहिए उनको टैक्स डिडक्ट नहीं करना चाहिए अब देखो ना सब कवर हो गया आपके जितना पॉइंट मैंने छोड़ा था वो कवर हो गया कितना कवर हो गया ये 194 ए में कवर हो गया हाँ 194 सी में कवर हो गया जी 194 एच में कवर हो गया हाँ 194 आई में कवर हो गया और आई बी में कवर हो गया देखो ना लगभग लगभग लग, सब में कवर हो गया मेरा क्लियर झांसी में जे भी तो कवर हो गया तो अब तक जितना भी पड़ा ये सारे पॉइंट्स हमने जो छोड़ रखे थे वो कवर हो गए हो गए एक बात बताओ मैं मैंने कहा मेरे ऊपर नहीं लगेगा मैं ना रेंट देता हूं मेरे ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि दो लाख चालीस हजार रुपए तक का रेंट है वैसे भी नहीं लगता रेंट के ऊपर लेकिन मैं अगर पेमेंट कर रहा हूं रेंट का कितना मैं अगर रेंट का पेमेंट कर रहा हूं कितने गयो ठीक है छूट गया था मुझे भी डाउट होने लगा आई भी। कि अगर मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ मैं इंडिविजुअल नहीं लगता था रेंट का, 194 का क्योंकि मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता था यानी कि एक करोड़ या पचास लाख से सिस्टम कम था लेकिन मैं रेंट छोटा मोटा नहीं दे रहा मैं पचास हजार रुपये से अधिक का रेंट पर मंथ दे रहा हूँ तो गवर्नमेंट ने कहा पकड़ ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को पकड़ो जो पचास हज़ार रुपये से अधिक का रेंट दे रहे हैं तो उनको ना पाँच परसेंट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा यानी अगर मैं ये कहूं कि मैं इंडिविजुअल हूँ एच यू हूँ मेरा टर्न ओवर एक करोड़ या पचास लाख से कम है मुझे वन आई में नहीं जाना तो भैया आप गलत सोच रहे हो अगर आपका रेंट पचास हज़ार से अधिक है पर मंथ तो आपको रहना है अब आपके लिए अलग से सेक्शन है वन नाइन्टी फोर आई भी और आपको टैक्स डिडक्ट करना है फाइव परसेंट के हिसाब से जी सर 194I और 194IB ये साथ में जब भी देखेंगे आप साथ में देखेंगे तभी आपका ये कन्फ्यूज़न दूर होगा ये 194IB में था 5% और यहाँ पर है 2% परसेंट एंड टेन परसेंट गिड़बिड़ हो गया ना चलिए IC की बात करते हैं अब हमने कहा झांसी क्या मैंने बोला झांसी ये 194 एम की बात करते हैं मैंने क्या कहा झा सी और उसके बाद बी भी जोड़ दिया था अब आई और आई बी के बारे में तो मैंने देख लिया कि एक नया प्रोविजन आया था आई को जहाँ पर इंडिविजुअल एच यू एफ कवर नहीं होता आई बी ने इंडिविजुअल एच यू एफ को कवर कर लिया लेकिन अब एक नया सेक्शन आप देखेंगे जो कवर करता है 194 नाइन्टी जे सी 194J, 194C जे सी और 194H एच कमीशन और ब्रोकरेज इन तीनों को भी कहा गया था इंडिविजुअल और एच का ये पॉइंट नहीं एप्लीकेबल होगा अगर पेयर इंडिविजुअल या एच है और उनका एक करोड़ और पचास लाख से कम का बिजनेस है तो उनको इन तीनों सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है यही तो बताया था झांसी में हाँ सर यही बताया अब बस यहाँ पर फिर उसको काटा गया भाई रेंट को तो यहाँ से कर दिया गया अब जे एच और सी जे एच और सी तीनों को कवर कर लिया गया किस में इसमें कवर कर लिया गया तो 194 J 194 जे एच और 194 C सी में जो लोग नहीं कवर हो पा रहे थे इंडिविजुअल एच एफ़ वो यहाँ कवर हो गए बशर्ते बशर्ते अब मैं कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा हूँ मैं कमीशन और ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहा हूँ मैं फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट कर रहा हूँ लेकिन तीनों का मिला करके मैं पचास लाख से अधिक का पेमेंट कर रहा हूँ मैं हूँ छोटा बहुत छोटा बिजनेसमैन मैं ना इंडिविजुअल एच ओएफ हूँ एक करोड़ और पचास लाख से कम का टर्नवर दे भैया पचास लाख से अधिक का पेमेंट कर रहे हो पचास लाख से अधिक का जरूरी नहीं मैं बिजनेसमैन हूँ कोई भी मैं हूँ मैं अपना घर बनवा रहा हूँ मैं सैलरी वाला हूँ मैं घर बनवा रहा हूँ मैं ये बनवा रहा हूँ घर पचास लाख एक करोड़ दस करोड़ रुपए किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो उस समय क्या मेरे ऊपर टी का प्रोविज़न लगेगा बिल्कुल लगेगा फाइव के हिसाब से टैक्स रोकना पड़ेगा मुझको अब ये नहीं कि मुझे टेन नंबर लेना है फिलहाल वो बाकी प्रोविज़न्स हैं लेकिन नॉर्मल ये है कि फाइव के हिसाब से मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा डैट्स एट तो जे एच ए सी आई इनका तोड़ है आई बी और ये 194 एम ये याद रखेंगे 194 m एम क्लियर है आइए और लाओ वो याद हो गया इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसीडरेशंस से रिलेटेड अब आइए जो था इज्जत के साथ था खुद बेची थी प्रॉपर्टी पचास लाख का जबरदस्ती लिया गया था एलए के हिसाब से ढाई लाख का कंसीडरेशन था पाँच परसेंट का हो गया और दस परसेंट का ठीक है ना चलिए यहाँ पर आइए वन नाइन्टी फोर की बात करते हैं उसके बाद एक पॉइंट और छूटा है आपका टी का सारा प्रोविज़न रिवाइज हो गया वन एन कहता है कैश ड्रॉल के केस में कैश ड्रॉल अगर आप कैश ड्रॉ कर रहे हैं बैंक से एक करोड़ तक ठीक है एक करोड़ से अधिक जहां बैंक से आपने विदड्रॉ कर लिया चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो कोऑपरेटिव हो पोस्ट ऑफिस हो जहाँ से आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो उस केस में एक करोड़ से अधिक निकालने पर आपके ऊपर टू परसेंट का टी लगना शुरू हो जाएगा मान लीजिए आपने नाइन्टी फाइव लैक्स निकाला ठीक है कोई टी नहीं लगा अब आपने दस लाख रुपए और निकाला तो टोटल कितना निकाला वन करोड़ फाइव लाख तो अब जानते हैं दो परसेंट किस पर लगेगा पूरे के पूरे वन करोड़ फाइव लाख पर लगेगा ये मत सोचना कि एक करोड़ को माइनस करने के बाद लगेगा ना 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 पूरे अमाउंट पर लगेगा लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसने तीन साल का टैक्स रिटर्न नहीं भरा है वन थर्टी नाइन वन के हिसाब से और उसकी डेट बीत चुकी है तो बीस लाख रुपए से ऊपर का और एक करोड़ तक का अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने का सिस्टम है दो परसेंट अदरवाइज एक करोड़ से ऊपर होने पर यहाँ पर सिस्टम बढ़ गया फाइव परसेंट यानी रिटर्न डिपॉल्टर के ऊपर ये सिस्टम ज़्यादा है ठीक है ना तो अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया आप हमसे पैसा ले रहे हैं मैं बैंक हूं, आप पैसा ले रहे हैं मैं देखूंगा आपका तीन साल का रिटर्न दाखिल नहीं है एक करोड़ से ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं तो भैया पाँच पर्सेंट का टैक्स डिडक्ट करूंगा अगर एक करोड़ से कम निकाल रहे हैं लेकिन बीस लाख से ऊपर जहाँ निकालना शुरू किया मैं दो का टैक्स डिडक्ट करना शुरू कर दूंगा गवर्नमेंट अपना काम तो कर ही रही है टैक्स तो वसूल ही रही है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट बताओ भाई कौन सा सेक्शन छूटा ये एक ही क्वेश्चन सेक्शन छूटा है ये आईसी मेन आईसी ही बता करके आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देते हैं आईसी क्या है <coughs> ये आपने एक सेक्शन देखा होगा टीडीआर जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स कि मैं एक ज़मीन का मालिक हूँ आप कॉन्ट्रैक्टर हैं बिल्डर हैं बिल्डर हैं मैंने आपके साथ हाथ मिलाया एक एग्रीमेंट कर लिया मैंने कहा इस बिल्ड इस जमीन पर आप बिल्डिंग बना दो और उस बिल्डिंग को हम लोग शेयर कर लेंगे आपस में आपस में तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बाई वे ऑफ कंसिडरेशन नॉट बींगन इन काइंड अंडर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वेयर लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ आर हैंडेड ओवर बाई द ओनर टू द डेवलपर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट फॉर अ कंसिडरेशन बींग अ शेयर इन द लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट विद पार्ट विद पेमेंट ऑफ द पार्ट पर कंसिडरेशन इन कैश मैं जमीन का मालिक हूँ मैं आपको बिल्डर के पास जाता हूँ मैं कहता हूँ मेरी जमीन है इस पर तुम बिल्डिंग बनाओ लैंड बिल्डिंग का मैं यूज़ करने को आपको पावर दे देता हूँ उसके बाद जो भी होगा वो हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे तो उस केस में जो भी कंसिड्रेशन मिलेगा वो टेन परसेंट यानी कि आप हमें देंगे यानी कि मैं रेसिपिएंट हो गया चूँकि आपको मैंने अभी कॉन्ट्रैक्टर मान लिया तो आप हमको पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर टैक्स रिडेट होगा टेन परसेंट के हिसाब से दैट्स इट बस इतना याद रखना है अदरवाइज वन फोर्टी ये पहले समझना पड़ेगा आपको आ, कई बच्चे इस चीज़ को अवॉइड करते हैं अब मैं जो चीज़ आपको एक छोड़ करके चल रहा था अब मैं उसकी बात करता हूँ सैलरी चाहे वो वन हो चाहे वो वन ए हो 194 बी हो वन नाइन्टी फोर बी हो या वन नाइन्टी फोर एम हो अगर हम कैश विदड्रॉल वाला यही गड़बड़ है ना एन हो ये पांच सेक्शंस ठीक है ना अगर मेरी बात ढंग से समझें इनको छोड़कर बाकी जितने भी टीडीएस के प्रोविजन हैं उसमें गवर्नमेंट ने एक रियायत सबको दी है नॉर्मल रेट से 25 परसेंट आप कम कर देंगे जहां रेट 10 परसेंट था वहां साढ़े सात परसेंट हो जाएगा जहां एक परसेंट था वहाँ पॉइंट सेवन फाइव परसेंट हो जाएगा जहाँ फाइव परसेंट था वहाँ थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंट हो जाएगा ज़रा देखते हैं कैसे ऊपर से ये सैलरी में कुछ चेंजेस नहीं है लेकिन बाकी सैलरी को छोड़ दो तो देखो फाइव परसेंट दस परसेंट माइन हो गया कितना साढ़े सात परसेंट कोविड के कारण कोविड के कारण चौदह मई से लेकर इकतीस तीन बीस के अंदर इकत्तीस फोर्टीथ मई ट्वेंटी से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन तक के अंदर का होगा तो ट्वेंटी फाइव परसेंट माइनस हो गया इन द सेम वे देखिए डिविडेंड की बात है तो साढ़े सात परसेंट दस की जगह और नाइन्टी फोर ए है दस की जगह साढ़े सात लॉटरी का मैंने बताया ना कोई चेंजेस नहीं है कॉन्ट्रैक्टर है चेंज हो गया कॉन्ट्रैक्टर है चेंज हो गया इंश्योरेंस कमीशन है चेंज हो गया चेंज हो गया ठीक है ना ये तो सीधे इसमें कोई चेंजेस इसलिए नहीं है क्योंकि नॉन रेजिडेंट को पेमेंट है इसलिए सीधे ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट उसको भी आप शामिल कर सकते हैं वन नाइन्टी फोर ई को ठीक है ना ये एन एस एस का है ये देखो ना हर जगह चेंज हुआ है मैंने कहा कैश विड्रॉल पर नहीं हुआ होगा कैश विड्रॉल पर नहीं हुआ होगा सारी चीज़ें हो गई कैश विड्रॉल आएगा तो वहाँ नहीं होगा बाकी हर जगह हो गया देखो ना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आ गया कैश विड्रॉल नहीं है यहाँ पर हो गया तो जो पॉइंट छूट रहे थे वो भी हम लोगों ने कवर कर लिए ये कंप्लीट है आपका टीडीएस का रिवीजन नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर मिलेंगे तब तक, तक के लिए एंड बाय बाय थैंक यू थैंक्स अ लॉट